हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम फाइलम मोलस्का ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है जनरल कैरेक्टर्स ब्रांच इन विच डील्स मोलस्क कॉल्ड मेलेकोलॉजी और ये कॉन्कोलॉजी बायो की वो ब्रांच जिसमें मोलसका एनिमल को डील किया जाता है उस ब्रांच का नाम है मेलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी इनकी जो बॉडी कवर्ट होती है एक सॉफ्ट स्किन से होती है जिसको मेंटल कहते हैं ये जो मेंटल होता है ये हैल्केरियस शेल सिक्रेट करता है ये जो मेंटल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल ये कवच सिक्रेट करता है जैसा कि आपने रेत के अंदर शंख और सीपी देखे होते हैं और शंख और सीपी जो होते हैं उनका जो बाहर का एक होता है बहुत हार्ड होता है ये जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये कौन सिक्रीट करेगा मेंटल सिक्रिट करेगा बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड फूड मेंटल एंड विसरल मास। इनकी जो बॉडी होती है वो चार पार्ट में डिवाइड होती है हेड फूड मेंटल तथा विसरल मास। विसरल मास का मतलब होता है इसके इंटरनल ऑर्गन बॉडी जो होती ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है उसमें तीन लेयर्स होते हैं लेकिन बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है खंड नहीं होते है. बॉडी बायोलेटरल सिमेट्रिकल होती है कॉइल्ड होती है ड्यू टू द टॉर्शन इनकी जो बॉडी होती बायोलेटरल सिमेट्रिकल होती है लेकिन बाइल्ड बॉडी जो है वो घूम जाती है क्योंकि इसमें टॉर्शन की प्रोसेस होती है ये जो टॉर्शन होता है क्लॉकवाइज भी हो सकता है था, था एंटी क्लॉकवाइज भी होता है रोडूला फाउंड इन द चिविंग फूड इनमें फूड को चबाने के लिए एक रोडूला हो जाता है एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रोडूला कहते हैं नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ पेयर्ड गेंगलियन तो कनेक्टिव नर्व इनका जो नर्वस सिस्टम होता है पेड गेंगलियान से बना होता है गेंग्लियन मतलब वो पॉइंट जहां पर बहुत सारी नर्व आपस में अटैच हो जाती है और एक गुच्छा बनाती है जो गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको गेंग्लियन कहते हैं और इन्हीं गेंग्लियान से अटैच होती है कनेक्टिव नर्व एनिमल्स यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल अलग होते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी होता है जिसके अंदर मीटा मार्फोसिस पाया जाता है जो इनका लार्वा होता है एक्वेटिक होता है जबकि एडल्ट टेरेस्ट्रियल होता है तो लार्वा के एडल्ट में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं एग्जाम्पल पाइला एप्पल स्नेल चाइटॉन टर्बिनेला इसको सांख्य कहते हैं यूनियो पिंकटेटा पार्लोइस्टर सीपिया कटल फिश ऑक्टोपस डेविल फिश फाइलमोल्स का डिवाइडेड इंटू सेवन क्लासेस मोनोप्लेकोफोरा एप्लेकोफोरा पॉलीप्लेकोफोरा गेस्ट्रोपोडा स्केफोपोडा पी, पीली साइकोपोडा तथा सिफेलोपोडा फाइलम एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन एनिमल इनकी जो एनिमल से इनकी स्किन जो होती है उसके ऊपर स्पाइंस होते हैं जनरल कैरेक्टर बॉडी अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता है सर्कुलर होती है स्पेरिकल होती है स्टार शेप्ड होती है विदाउट हेड और ब्रेन या तो इनकी गोल होगी या लाइक -like होगी जिसके अंदर हेड और ब्रेन नहीं होता है इन जुवेनाइल स्टेज बॉडी बायोलेट्रल सिमेट्रिकल जब ये जुवेनाइल या मतलब यंगर स्टेज में होते हैं तो इनकी बॉडी बायोलेट्रल सिमेट्रिकल होती है लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर फाइव आर्म्स होती है मतलब ये पेंटामेरस होते हैं और इनकी जो रे सीमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री हो जाती है एग्जोस्केलेटन कैलकेरियस कंसिस्टिंग प्लेट्स और स्पाइन इनका जो एग्जोस्कलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कि या तो प्लेट्स के फॉर्म में होगा स्पाइन या कांटों के फॉर्म में होगा ट्यूब फिट फंक्शन एज अ गील इनके अंदर जो ट्यूब फिट होते हैं वो एज अ गील की तरह वर्क करते हैं वेस्क्यूलर आर्गन की तरह वर्क करते हैं और लोकोमोटरी आर्गन की तरफ वर्क करते हैं एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट या कॉइल्ड इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल या तो सीधी होगी या कॉइल्ड होगी एक्सक्रिटरी ऑर्गन इनमें एबसेंट होते हैं एग्जाम्पल एनिमोन सी लीली एस्टेरियस स्टारफिश एक्नस सी अर्चिन कुकोमेरिया सी कुकम्बर एंटीडॉन स्टार फाइलम एक फाइलम सब फाइलम पेलमेटो जोआ इसकी एक क्लास है क्रीनोइडिया सब फाइलम एलियोथ्रो जोआ इसकी फोर क्लासेस है फर्स्ट वन एस्टेरिया सेकेंड ऑफियोरोडिया थर्ड वन इकिनोइडिया एंड फोर्थ वन होलोथुरोइडिया मतलब जो फाइलम इकाइन है उसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है पहला जो सब फाइलम है पेलमेटा जोआ है इसकी एक क्लास है क्रीनोइडिया दूसरा जो सब फाइलम है एल्यूथरोआ है जिसकी फोर क्लासेस है अब जिसकी फोर क्लासेस है उसमें पहली क्लास है एस्टेरोइडिया सेकेंड ऑफियोरोडिया थर्ड है इकिनोइडिया एंड फोर्थ वन है होलोथ्रोइडिया इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स शो पोथ कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं नॉन कॉर्डेट स्लाइड भी कैरेक्टर होते हैं ड्यू टू धिस ग्रुप कार्ड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स इसी कारण इस ग्रुप को इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स भी कहते हैं जनरल कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं दीज आर सॉलिटरी कोलोनियल समाइम लिविंग इन द ट्यूब ये सामान्यतः अकेले रहते कॉलोनी बना के रहते हैं लेकिन कभी कभी ट्यूब के अंदर भी रहते हैं एनिमल्स आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक विथ बायोलेटरल सिमेट्री इनकी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है उसमें तीन लेयर होते हैं और जो सिमेट्री होती, हो होती है वो बायोलेटरल सिमेट्री होती है बॉडी लॉन्ग होती है वर्म लाइक होती सॉफ्ट होती कॉम्पैक्ट होती है होती है इनका शरीर लंबा होता है इली के समान होता है नर्म होता है तथा स्टॉक होता है मतलब इसमें चिपकने के लिए जगह होती है नीचे की तरफ बॉडी इजिली डिवाइडेबल इंटू प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक इनकी जो बॉडी है तीन पार्ट में डिवाइड होती है प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक इनका जो प्रोबोसिस होता है वो सूंड के समान तिकोना होता है कॉलर जो होता है वो लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे का जो रीजन होता है वो ट्रंक होता है द एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वाली इज अ सिंगल लेयर कंटेनिंग द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है म्यूकस को सिक्रीट करने वाली ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है जिससे म्यूकस को सिक्रीट करते हैं जिससे इनकी बॉडी जो होती है स्लाइमी होती है सिलोम इज अ एंटेरोसिलस एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट स्ट्रेट एंड यू शेप्ड इनकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी होती है सीधी होती है और यू के आकार की होती है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ डार्सल प्लेस फेरिंग्स और नंबर ऑफ गिल स्लिट्स अवेलेबल इनमें जो रेस्पिरेशन होता है या तो फेरिंग्स के थ्रू होता है या गिल स्लिट्स के थ्रू होती है एग्जाम्पल सेकोग्लॉसस रेपडोप्लूरा तथा फाइलम हेमिकॉर्डेटा डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस एंटेटा तथा टेरोब्रिंकिया फाइलम हेमिकर्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया पहली क्लास है एंटेर्यूस्टा तथा दूसरी है टेरोब्रेंकिया